हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड के पास जो एनर्जी मैनेजर हैं। देखिए, एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर, इसमें आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो रोहित मेरे फ्रेंड हैं, ये एनर्जी मैनेजर ऑलरेडी हैं और जॉब कर रहे हैं, तो आपको वो अच्छा गाइड कर सकते हैं कि करियर किस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। ओके, तो जी रोहित, आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएँ स्टूडेंट्स को। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं एनर्जी के ऊपर जो सेक्टर में जो बातें हम कर रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में हम अपने करियर को कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं। तो हर किसी को जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो लोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जिसको हम बोलते हैं नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी ऑडिटर्स एंड एनर्जी मैनेजर्स, जिसमें कि आपको 4 एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप 3 एग्ज़ाम्स को क्लियर कर देते हैं तो आप एनर्जी मैनेजर बन जाएंगे, और अगर आप 4th एग्ज़ाम भी क्लियर कर देंगे तो आप एनर्जी ऑडिटर बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन इन एग्ज़ाम्स को अप्लाई कर सकता है। तो पहले तो मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज बन रही है और ये एग्ज़ाम भी इसकी ओपनिंग चल रही है अभी। तो ये 3rd of May से ये ओपनिंग शुरू हुई है। अभी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको सारी वेबसाइट्स की डिटेल दूंगा सारा कुछ। और पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं मैनेजमेंट के रिलेटेड या ऑपरेशन में, कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं एनर्जी मैनेजमेंट के रिलेटेड या ऑपरेशंस में, प्रोसेसेस में, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं अगर उनके पास 6 years का एक्सपीरियंस है तो ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं हमारे, अगर उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो लोगों के पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट सबकी जो मैंने आपको बताई इसके हिसाब से है। तो अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो काइंडली आप वेबसाइट पे जाइए, जो कि वेबसाइट का लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा देंगे सर आपको, और मैं आपको वैसे भी डिक्टेट करा देता हूँ, जिसका है aipnpc.org। तो इसी के साथ ये एग्ज़ाम अगर हम पास कर जाते हैं तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कैसे मिलती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनकी अलग अलग सेक्टर में हमें ऊर्जा को कम करना है, जैसे कि बिल्डिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, म्यूनसिपलिटी सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि बड़े बड़े सेक्टर हैं जिसमें हमारा एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा है, उनको एनर्जी कंजप्शन घटाने के उनको टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप अपना एनर्जी कंजप्शन, अपनी ऊर्जा की खपत को कम किए करें। तो उस कम कर खपत करने के लिए उनको स्कीम के अंडर ले गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको स्कीम में बोला गया है कि आपको एनर्जी मैनेजर मैंडेटरी रखना ही रखना है, जो कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे भारत में ये स्कीमों के जरिए एनर्जी कंजर्वेशन को घटाया जा रहा है, और अगर हमारे पास ये एग्ज़ाम क्लियर होगा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिल्कुल आएंगी, गवर्नमेंट में भी आएंगी, और जो स्टेट्स में एजेंसीज बनी हुई हैं एनर्जी डिपार्टमेंट जो स्टेट्स के हैं, अपने अपने पंजाब के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, हिमाचल के अलग हैं, तो उनमें भी ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि एनर्जी मैनेजर्स चाहिए, क्योंकि जो स्कीमों के तहत रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम अगर हम पास कर जाते हैं तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात हुई जैसे कि हम जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कोई अपना बिजनेस करने की, क्योंकि कई लोगों को होता है कि मैं जॉब नहीं करनी, मुझे अपना बिजनेस करना है। तो हम इसके अंदर एक और अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि हम अपनी फर्म भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, हम अगर 3 एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो हमारा एनर्जी मैनेजर हो गया, उसके बाद अगर हम 4th एग्ज़ाम भी क्लियर कर देंगे तो हम एनर्जी ऑडिटर बन जाते हैं। तो एनर्जी ऑडिटर बनने के बाद हम, जो मैंने आपको बताया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ हम एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा ऑडिटर के बाद, आप एनर्जी मैनेजर ऑडिटर बन गए, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आ गया क्योंकि आप जॉब तो कर ही रहे हैं, उसके बाद वो एक्सपीरियंस के बेस पे आप ब्यूरो में अप्लाई कर सकते हैं और आपको एम्पैनलमेंट मिल जाएगी। अब एम्पैनलमेंट के बाद क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपना ऑडिट करवाना है तो वो ऑडिट उन्हीं से करवा सकते हैं जो ब्यूरो से एम्पैनल्ड एजेंसीज हैं।
तो वो एजेंसीज की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपकी टीम बन जाएगी और आपको काम मिलते रहेंगे, क्योंकि सब इंडस्ट्रीज़ ने अपने अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट में सबमिट करना होता है। जैसे कि हम इनकम टैक्स सबमिट करते हैं, हर एक जो भी एम्प्लॉई है उसको इनकम टैक्स सबमिट करना है, तो इंडस्ट्रीज़ को अपने एनर्जी रिटर्न जो है वो सबमिट करने होते हैं सर। तो उनको एनर्जी रिटर्न सबमिट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो सिर्फ सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर ऑडिटर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो अगर उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तो वो उनके डॉक्यूमेंट माने नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि एनर्जी ऑडिटर और एनर्जी मैनेजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है अपने इंडिया में, कि उनकी सर्टिफिकेशंस के बगैर वो लोग कहीं वेरिफिकेशन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की और इंडस्ट्रीज़। और धीरे धीरे ये लोग अभी नया एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग्स में भी आ रहा है, क्योंकि हमारे आजकल घरों को एनर्जी एफिशिएंट बनाने का भी काम चल रहा है कि घरों को भी एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो बिजली के उपकरण है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है स्टार रेटिंग वाला, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। उसका क्या मतलब होता है कि हम जितने स्टार ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा है, उतना उसका ऊर्जा की खपत कम हो गई, हमारा बिल कम आएगा। तो वो जो स्टिकर लगता है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लगता है जो मैंने आपको बताया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो इनका दिल्ली में ऑफिस है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 को लागू कर रही है। तो इस ये सब स्टेट्स के तालमेल बना के और ये अपने अपने प्रोजेक्टों को इम्प्लीमेंट कर, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, अपने घरों में जो बिजली के उपकरण यूज़ कर रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ आएगी कि एनर्जी ऑडिटिंग है क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो एनर्जी ऑडिटिंग के बारे में मैंने आज आपसे जो भी शेयर किया, तो मैं स्टूडेंट्स को भी आपके रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस साइट पर जाके जल्दी से जल्दी अप्लाई करें अगर वो एलिजिबल हैं। उसमें प्रॉस्पेक्टस भी दिया गया है जिसमें आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ में फ़ीस वगैरह जो भी ऑनलाइन पे करनी है, और इसकी लास्ट डेट है वो जो 3rd of June को ख़त्म हो जाएगी। तो आप उससे पहले पहले अपना अप्लाई कर दीजिए। और एक लास्ट में मैं ये बात कहूँगा कि 5 साल के अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। 5 साल का टाइम दिया जाएगा जिसमें 3 अटैम्प्ट आपको दिए जाएंगे, तो 3 अटैम्प्ट एंड 5 साल, तो बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपकी नॉलेज भी वास्ट होगी और आपका CV भी एनहांस हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम जो है वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ओके, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। तो डिप्लोमा में भी एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप डिप्लोमा जॉब कर रहे हैं, डिप्लोमा की 6 साल हो चुके हैं और बीटेक में 4 साल, 3 साल जो बीटेक के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है और एमटेक के बाद मास्टर डिग्री के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर ये जॉब में है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। कुछ स्टूडेंट्स कहे कि फ्रेशर्स के लिए, तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ओके, लेकिन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो इस लाइन में एक्चुअली बहुत कम नॉलेज है कि हाँ ये भी लाइन है कोई, तो ये लाइन है एक्चुअल में। अगर आपके कोई दोस्त हैं या फ्रेंड हैं जो एक्सपीरियंसड है, उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर वो इस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।